हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पनीर की एक लजीज रेसिपी लेकर आई हूँ जो शायद ही आपने पहले कभी खाई होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक डिफरेंट रेसिपी जो आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की नई रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के आसपास पनीर लिया है और अब इसको मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करने के लिए लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसको हमें सारे पनीर में अच्छे से लगा देना और कम से कम आधा घंटे के लिए हम इसको अलग कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़े से मैंने खड़े मसालों का यूज़ कर रहा है। लौंग, इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, सभी चीज़ों को हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और जो फ्लेवर है वो पनीर में काफ़ी अच्छा है। तो देखिए इस तरीके से मैंने उसको पीस लिया है। तो साथ ही यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई में थोड़ा सा 2 चम्मच देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही 1 चम्मच मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सरसों के तेल का। साथ ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा जीरे का, जीरे से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। हींग का थोड़ा सा, हींग, तेज पत्ता, हर चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्राउन होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे प्याज। यहाँ पे मैंने 3 ऑनियन कट किया था और उसी को मैंने बारीक बारीक कट के इसमें डाल दिया है और ऑनियन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर 1 चम्मच के आसपास मैंने लिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब प्याज में ही मसालों को यूज़ करूँगी। तो इसमें मैंने धनिया, लाल मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक, सब चीज़ें मैंने प्याज में ही डाल दिया और प्याज के साथ ही हम मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। अब प्याज और मसाले मेरे अच्छे से बिल्कुल भुन गए हैं। तो साथ ही यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए थे तो 3 टमाटर को मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर आप इसकी प्योरी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी हम प्याज के साथ और मसालों के साथ अच्छे से बिल्कुल फ्राई करेंगे। जब तक हमारे टमाटर ना मैश हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। क्यों लग रही है ना आपको भी मज़ेदार डिश? एक बार बनाइएगा जरूर, अगर बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे। अब टमाटर प्याज की प्योरी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। तो इसी में मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कटोरी दही और दही से हमारा जो फ्लेवर है उसमें तो 4 चम्मच लग जाएंगे और जब आप इसको खाएंगे तो भाई उसका तो टेस्ट ही देखने लायक होगा। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 नॉनस्टिक तवा, उसके ऊपर मैं 1 चम्मच घी लगा रही हूँ। साथ ही जो मैंने पनीर को मैरिनेट करने के लिए रखा था वो मेरा प्रॉपर तरीके से मसालों के साथ, देखिए कितना अच्छा कलर आया, बिल्कुल प्रॉपर मैरिनेट हो गया है ये। तो अब हम इसको तवे पे फ्राई कर लेंगे। जब हम फ्राई पनीर को ग्रेवी में यूज़ करेंगे तो उसका तो टेस्ट आप देखने वाला ही होगा। बहुत ही स्वादिष्ट और डिलीशियस आज ही हमारा पनीर की रेसिपी बनने वाली है। कोई भी गेस्ट आ जाए तो उसको खिलाइएगा जरूर, लोग आपकी खूब तारीफ करेंगे। पनीर का कलर तो देखिए कितना अच्छा है, बहुत अच्छे से बिल्कुल हमारा पनीर फ्राई हुआ है। तो अब हमने जो ये ग्रेवी तैयार करी थी तो इसी ग्रेवी में पनीर को ऐड कर देती हूँ। सारे पनीर को हम इसी तरीके से डाल देंगे और जब ग्रेवी और पनीर हमारा बनके तैयार होगा तो देखने लायक। अब धीमी धीमी खुशबू के साथ पनीर बनना तैयार हो गया है। सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब मैं इसको क्या करूँगी, 5 से 10 मिनट तक अच्छे से बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ढक दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो धीमी धीमी खुशबू के साथ डिलीशियस और स्वाद से भरपूर पनीर बनके हमारा तैयार हो गया है। तो इसी में मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी से हमारे जो पनीर का टेस्ट है वो और दुगना हो जाएगा। और साथ ही थोड़ा सा मैं यूज़ कर रही हूँ हरा धनिया का। हरे धनिया से टेस्ट तो अच्छा ही आएगा, साथ ही जो पनीर का जो कलर है वो भी और सुंदर लगेगा। तो फाइनली हमारा छोका पनीर बनके तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है आपको देखने में? लग रहा है ना काफी ज्यादा टेस्टी, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। बनाइएगा जरूर और जब बनाएंगे तो सब लोग आपकी खूब तारीफ करेंगे। आज मैंने आपको 5 से 10 मिनट में पनीर की रेसिपी बताई, कैसी लगी ये जरूर बताइएगा और बना के जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा।